हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की बात करेंगे। तीसरे चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इससे पहले हमने हिस्ट्री के दो चैप्टर्स को क्लियर किया है, डिस्कस किया है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। Now we will discuss the making of global world, class 10th chapter number 3. इससे पहले मैं टॉपिक पे आ जाऊं, आप ये बात बिल्कुल बखूबी जानते होंगे कि जो आजकल की दुनिया है, this world is known as global world. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर आप दुनिया के किसी भी प्लेस के बारे में, किसी भी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहेंगे तो विद इन नो टाइम आप उस प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज की ये जो टेक्नोलॉजिकल दौर है, आज ये जो मॉडर्न दौर जो है, इस मॉडर्न दौर में टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी ज्यादा है कि हम लोग किस दुनिया के किसी भी इंसान के साथ, दुनिया के किसी भी कंपनी के साथ हम बखूबी कारोबार अच्छा खासा विदाउट एनी डिफिकल्टी कर सकते हैं। विद नो टाइम हम घर में बैठ के उनके साथ बात कर सकते हैं। सो दिस वर्ल्ड इज नोन एज द ग्लोबल वर्ल्ड। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में सबसे पहले हमने बात करनी है ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इस पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की एक डेफिनेशन मैंने यहां पे कोट की है, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन अमंग द पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेशंस वर्ल्ड वाइड। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दुनिया के लोग आपस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी कि आप दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये लोग दुनिया के बाकी लोगों के साथ जो कोई भी कारोबार, जो कोई भी चीज, जो कोई भी ट्रेड हो या बाकी चीज कारोबार जो है, ये लोगों के साथ कर सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, उनके साथ ये इंटरलिंक हुआ करते हैं। क्या लोग आपस में होते हैं? कंपनीज भी होती है, बहुत सारी कंपनीज जो है, ये कंपनीज वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, इनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। एक कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जिसका वर्क, जिसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, आप एक ही देश में आपकी कंपनी आजकल नहीं होती है, पूरी दुनिया में आपका बिजनेस फैला हुआ होता है। तो दी कंपनी, एक कंपनी दुनिया की बाकी कंपनियों के साथ इंटीग्रेट होती है, इंटरैक्ट होती है, एंड पॉलिटिकल लिहाज से अगर देखा जाए, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट नेशंस वर्ल्ड वाइड, इंटरैक्शन ऑफ गवर्नमेंट्स, डिफरेंट गवर्नमेंट्स। यानी कि पॉलिटिकल एंगल से अगर हम देखेंगे तो एक गवर्नमेंट पूरी दुनिया के साथ, इंडिया इज लिंक्ड विद अमेरिका, अमेरिका लिंक है इटली के साथ, रशिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, जहां पे भी यहां पे गवर्नमेंट जिस किसी के साथ जो कोई भी रिलेशन जहां पे जाना चाहता है वहां जा सकता है। पहले ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। एक एरिया के लोगों को दूसरे एरिया के लोगों के बारे में पता ही नहीं था, वो ये समझ रहे थे कि हम शायद यहां पे रह रहे हैं, दुनिया इतनी ही है। वो इंटरकनेक्ट नहीं हुआ करते थे, वो इंटीग्रेट बिल्कुल भी नहीं हुआ करते, उनको दुनिया, बाहरी दुनिया का उनको कुछ पता ही नहीं हुआ करता था। लेकिन इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है, ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड का आगाज कहां से हुआ, दैट इज द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें हमने 4 टॉपिक्स को डिस्कस करना है। नंबर 1 टॉपिक इज द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हमने 3 सब टॉपिक्स को डिस्कस करना है। नंबर 2 इज द 19th सेंचुरी, 1815 टू 1914।
यानी कि ग्लोबलाइजेशन का इन्फ्लुएंस 1815 से लेकर 1914 दैट इज द 19th सेंचुरी में इसका क्या रोल रहा, ग्लोबलाइजेशन कैसी थी 19th सेंचुरी में। नंबर थर्ड, इट इज द इंटर वॉर इकोनॉमी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 के बाद देखने को मिला, 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, इसके बाद ग्लोबलाइजेशन पे इसका इफेक्ट कैसा पड़ा। एंड द लास्ट वन इज द रिबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड वाइड। ये हम चार टॉपिक्स हमने इसमें डिस्कस करने हैं। सो नंबर फर्स्ट टॉपिक दैट इज द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, हम इस पे आज थोड़ी बहुत बात करेंगे। प्री मॉडर्न वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि इट इज वी टॉक अबाउट बिफोर द 15th सेंचुरी। इसका मतलब यह है कि हम बात कर रहे हैं बिफोर 15th सेंचुरी की, पहले हम बात करते हैं, इससे पहले हम बात करते हैं। लिहाजा 15th सेंचुरी से पहले ग्लोबलाइजेशन कैसी थी इस पे हम यहां पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले भी आपको यह पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ही हुई थी। कैसे हो गई इसकी शुरुआत प्री मॉडर्न वर्ल्ड में और ग्लोबलाइजेशन का आगाज किस तरह से देखने को मिला, हमने यह देखा कि आज से हजारों साल पहले जो लोग थे, पहले इन लोगों को बाहरी दुनिया का कुछ पता ही नहीं हुआ करता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक इंसान की नीड, एक इंसान की यह इच्छा जागी कि मैं दुनिया के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहता हूं। लिहाजा ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत यहां से होती है। दैट मींस ट्रैवलर्स फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज, ये लोग अपने एरिया से निकल के दूसरे एरिया में जाने लगे फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज, सो एज टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती है ट्रैवलिंग से, जो ट्रैवलर्स नॉलेज के पर्पस से एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाने लगे, यहां से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो गई। दूसरा ट्रेडर्स, एक एरिया के ट्रेडर्स ने ये वक्त की जरूरत समझी कि मुझे रेस्ट्रिक्ट यहां इसी एरिया में नहीं रहना चाहिए, मुझे बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड करना चाहिए, मुझे बाकी लोगों को देखना है, बाकी लोगों को ढूंढना है और उन लोगों को जो दूसरे लोकेशन पे रह रहे थे उन लोगों के साथ में भी बाद में ट्रेड करूं। और उसका मकसद एक था, वो ये था कि वो प्रॉफिट उसका हो सके, उसका मुनाफा हो सके, वो पैसा कमाए। तो पैसे की लालच में आके उसने अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया के लोगों के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो यहां से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती है। तीसरा प्रीस्ट्स हमारे पास होते हैं, हर एक मजहब के अपने अपने रहनुमा होते हैं, अपने अपने लीडर्स हुआ करते हैं। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए ये जो प्रीस्ट्स थे, इन लोगों ने अपने एरिया को छोड़ के बाहरी दुनिया के लोगों के साथ इंटरैक्ट हो गए ताकि ये अपने मजहब की, ताकि ये अपने दीन की दावत वहां तक पहुंचे। सो फॉर द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, जो प्रीस्ट्स होते हैं हर एक मजहब के, ये लोग, ये प्रीस्ट्स, ये लीडर्स, ये दीन के जो ये बड़े पैरोकार लोग होते हैं, इन लोगों ने अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में ये जाने लगे ताकि इनकी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट हो, ताकि इनके मजहब का बढ़ावा हो। लिहाजा इस मजहब के बढ़ावे के लिए इन लोगों ने अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाने लगे, यहां से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती है। और बहुत सारे लोगों को एक ही जगह पे ये पिलग्रिमेजेस वगैरह हुआ करती है। पिलग्रिमेजेस मतलब ऐसा कोई होली श्राइन हुआ करता है, ऐसी कोई प्लेस दुनिया में हुआ करती है जहां पे अपने मजहब के लोग वहां पे जाना बहुत बड़ी इबादत समझते हैं। जैसे इस्लाम में मुसलमानों को पिलग्रिमेज के लिए जाना होता है सऊदी अरबिया, तो सऊदी अरबिया जाना एक बहुत बड़ा शुभ काम माना जाता है,
एक नेक काम माना जाता है, एक बहुत बड़ी इबादत मानी जाती है। इसी तरह से बाकी मजाहिब के लोगों को भी अलग अलग पिलग्रिमेज प्लेसेस हुआ करती है जहां पे ये लोग जाते हैं। लिहाजा उस पिलग्रिमेज को पूरा करने के लिए, उस होली वर्क को पूरा करने के लिए ये लोगों ने अपने एरिया को छोड़ा और ये लोग दूसरे एरिया में जाने लगे। यहां से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो गई। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा भी हुआ करता था कि एक एरिया में अपनी छोटी मोटी कोई हुकूमत हुआ करती थी, कोई रूल हुआ करता था। इस एरिया में रहने वाले लोगों में से अगर किसी ने कोई गलती, कोई ऐसा कोई ऑफेंस किया हो होता था, तो उस ऑफेंस के बदले फिर बाद में उसको प्रोसिक्यूशन, उसको सजा सुनाई जाती थी। और उस सजा से बचने के लिए इसके पास एक ही रास्ता बचता था, एक ही रास्ता इसके पास था। वो ये था कि ये अपनी जगह को छोड़ के इस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए दूसरे एरिया में जा बसे। लिहाजा सो टू एस्केप प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए इसने अपने एरिया को छोड़ा और दूसरे एरिया में जाने लगा। ये ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो गई। तो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत ट्रैवलर्स ने की जब उनको वक्त की जरूरत इन लोगों ने समझी। यहां ट्रेड के जरिए से और ट्रैवलर्स नॉलेज के पर्पज से, ट्रेडर्स प्रॉफिट के पर्पज से, प्रीस्ट्स स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के जरिए से, या पिलग्रिमेज पर्पजेस के लिए, या तो एस्केप प्रोसिक्यूशन के जरिए से, इन सारे लोगों ने अपने एरिया को छोड़ा और दूसरे एरिया में ये लोग उनके साथ इंटरैक्ट होने लगे। लेकिन जब ये दूसरे एरिया में गए, जब ये बाहरी दुनिया के साथ उनके साथ इंटरैक्ट किया, तो ये अगर नॉलेज के पर्पज से गया, ये प्रॉफिट के पर्पज से गया, ये स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के जरिए से गया, या कोई भी इसका मकसद था, ये ऐसा ये चार मकासिद के को लेके ये लोग ने अपने एरिया को छोड़ा और बाहरी दुनिया में ये लोग रहने लगे। लेकिन इनके साथ साथ और भी चीजें ट्रांसफर हो गई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये ट्रैवलर जा बसने लगा, ये ट्रैवलर अपने एरिया से निकला। नॉलेज के साथ साथ इसके पास कोई मनी, इसके पास मनी हुआ करती थी। सो मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये नॉलेज गेन करने के लिए निकला था अपने घर से, लेकिन इसके साथ इसके अपने एरिया में जो पैसा था, जो करेंसी थी, वो करेंसी भी इसके साथ, इसी के साथ साथ जहां पे ये गया, जहां पे ये रहने के लिए गया, जिन लोगों के साथ ये इंटरैक्ट की हो गया, उन लोगों ने भी देखा कि इस एरिया के रहने, इस ट्रैवलर जो जिस एरिया से आया है उस एरिया में करेंसी क्या है। सो करेंसी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीनवाइल स्किल ट्रांसफर हो गया इन्हीं के साथ साथ। जो लोग अपने इस एरिया में इन पर्पजेस को लेके अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में के लोगों के साथ इंटरैक्ट हो गए, दुनिया के साथ इंटरैक्ट हो गए, वहां पे इनका स्किल भी साथ साथ ट्रांसफर हो गया। वहां पे इनके साथ साथ इनकी इनका स्किल धीरे धीरे से ट्रांसफर हो गया, इनका हुनर ट्रांसफर हो गया, इनका टैलेंट ट्रांसफर हो गया, इनके आइडियाज ट्रांसफर हो गए, और इसके साथ साथ इन्वेंशन ट्रांसफर हो गई जो इन लोगों के साथ साथ थी, गुड्स ट्रांसफर हो गए, या साथ और इसके साथ साथ कुछ अच्छी चीजें अगर ट्रांसफर हो गई, लेकिन दूसरे एंगल में डिजीजेस भी ट्रांसफर धीरे धीरे से देखने को मिली। सेवेंथ सेंचुरी तक इसका इन्फ्लुएंस डिजीज़ का थोड़ा बहुत कम देखने को मिला था, कि ये पता ही नहीं था कि डिजीज़ भी ट्रांसफर होती है, लेकिन सेवेंथ सेंचुरी में ये क्लियर हो गया कि एक इंसान से जो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह में जो रहने के लिए जाता है, उनके साथ इंटरेक्ट होता है, तो साथ साथ में अपनी डिजीज भी जो यहां पर लगी हुई होती है एक एरिया में, ये भी ट्रांसफर होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जर्म्स ट्रांसफर होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लिहाजा प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबल वर्ल्ड की शुरुआत होती है इन सारी चीजों से जो मैंने यहां पे आपके साथ डिस्कस किया है। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया में एक सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो है, उस सिविलाइजेशन का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर 300 BC, वहां से इसकी शुरुआत होती है। बिफोर 300 BC से इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में फिर बाद में बिफोर 300 BC से लेकर ही ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया वेस्ट एशिया के साथ।
यानी कि इंडिया में जो यहां पे इंडस वैली में जो ये लोग रहा करते थे, इन लोगों ने वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने ये निकले अपने इस सिविलाइजेशन से और यूरोप या वेस्ट एशिया की ओर ये बढ़ने लगे और उन लोगों के साथ ये इंटरेक्ट हो गए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। साथ साथ में बाद में बात करूं और एक बात करूं, कौरीज, कौरीज एक करेंसी के तौर पे मालदीव के लोग इस्तेमाल करते थे। जो मालदीव था, मालदीव एशिया में आता है और मालदीव में आज से हजारों साल पहले कौरीज एज ए करेंसी इस्तेमाल हुआ करता है। अब मसला ये कौरीज क्या है, कौरीज सी शेल्स होते हैं जो समंदर में, वो सी शेल्स होते हैं, आउटर पार्ट ऑफ द एनिमल जो हुआ करता है। ये एज ए करेंसी आज से हजारों साल पहले ये जो है मालदीव में इसका अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे ये कौरीज चाइना में भी देखने को मिलते हैं। ये कौरीज जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये ट्रम्पेट्स के लिए इस्तेमाल हुआ करती है। लिहाजा ये कौरीज आज से हजारों साल पहले कहां पे, मालदीव में, मालदीव में ये एज ए करेंसी इस्तेमाल हुआ करते हैं। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो चाइना में भी कौरीज पाई जाती है, साथ साथ में ईस्ट अफ्रीका में भी कौरीज मिलते हैं आजकल। तो इसे साफ ये एक प्रूफ मिलता है हमारे यहां पे कि आज से हजारों साल पहले ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि इस इंट्रोडक्शन में अबाउट द प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन सामने रखा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस 90th जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, इसके बाद तीन सब टॉपिक्स हैं। तो कल हम सबसे पहले सब टॉपिक दैट इज सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड, उस पे हम बात करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेरी वेल। खुदा हाफिज़।